आपके घर में ऐसी डिमांड तो होती ही होगी कि कम मसालों वाली रेसिपी खाना है हमें, और टेस्टी सा खाना है, कुछ सस्ता सा खाना है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत सस्ती सी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी और बहुत कम मसालों वाली रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कच्चे केले को पहले छिल लिया था, उसे धोकर मैंने इस तरीके से काट लिया है। शेप आप अपने तरीके से दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में तो हमें इसे खाना ही है। उसके बाद हम प्याज को कट कर लेंगे छोटे छोटे शेप में। ये देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे दो लाल मिर्च, इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम प्याज लिया था मैंने, इसे डाल के हम चला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे हम इसे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, प्याज जो है ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, प्याज पक चुकी है। इसमें हम डाल देंगे केले, कच्चे केले जो हमने कट किया था, इसे डालने के बाद हमें इसे इस तरीके से एक बार चला लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे हम, और इसे हम डालने के बाद एक मिनट के लिए इसे हम चलाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे भून लिया है एक मिनट तक। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, पानी हमने आधी कटोरी लिया है जिससे ये गल जाएगी, और पानी डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे और इसे हम ढक देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुका है, हम केले को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, केले की जो सब्ज़ी है वो गल चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो सब्ज़ी है बहुत कम मसालों से बनती है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। तो ये देखिए, केले जो है गल चुकी है, परफेक्ट गल चुकी है ये देखिए। और इसमें थोड़ी पानी है तो हमें थोड़ी पानी सुखा लेना है, और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी पसंद है तो रख सकते हैं। लास्ट में हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और गोलकी का पाउडर जिसे मैंने भूनकर पीस लिया है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, ये रेसिपी बनकर तैयार है। ये रेसिपी बनने में 5 से 7 मिनट लगती है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, कम मसाले की रेसिपी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।